वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व परिषद की अध्यक्ष मनीषा त्रिघाटिया ने राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने के लिए 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक 2 माह के विशेष अभियान की चर्चा की और निर्देश दिए कि भू अभिलेखों को अद्यतन रखना राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। समय समय पर वरासत को राजस्व अभिलेखों में अद्यतन करते रहना राजस्व विभाग का दायित्व है। वरासत प्रकरणों में समय से कार्यवाही न होने पर विधिक उत्तराधिकारी अपने अधिकार से तो वंचित रह ही जाते हैं, साथ में अनावश्यक विवाद भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए राजस्व संहिता अधिनियम 2006 की धारा 31 के अनुसार जिलाधिकारी का यह दायित्व है कि राजस्व संहिता नियमावली में विहित रीति से प्रत्येक ग्राम के अधिकतर अभिलेख खतौनी रखेगा। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व प्रशासन के द्वारा निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने के लिए 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक 2 माह का विशेष अभियान चलाया जाए। इसके तहत 15 से 30 दिसंबर तक राजस्व व तहसील अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार प्रसार कर खतौनियों को पढ़ा जाए तथा लेखपाल द्वारा वरासत के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हें ऑनलाइन भरा जाएगा। 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक लेखपाल द्वारा ऑनलाइन जाँच की जाएगी। 16 से 31 जनवरी तक राजस्व निरीक्षक द्वारा जाँच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसी बीच नामांतरण आदेश को R6 में दर्ज करने के बाद खतौनी में प्रविष्टियों को दर्ज किया जाएगा। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, ADM सिटी RK श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आवेदक द्वारा भरे गए तथा लेखपाल द्वारा दी गई जांच आख्या उसका विवरण सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाए। नेक्स्ट 15 दिन का होगा वो लेखपाल की जांच, यानी प्रथम 15 दिन व्यापक प्रचार के साथ और खुली बैठक है जिसमें आवेदन पत्र आप प्राप्त करेंगे और सिस्टम में अपलोड करेंगे। सेकंड 15 दिन होगा लेखपाल की जांच के लिए। ये लेखपाल की जांच के लिए भी इन 5 गांव का निरीक्षण डेट्स आप पहले से करना पड़ेगा। लेखपाल द्वारा दर्ज इसमें जांच उपरांत जो विधिक उत्तराधिकारी का नाम और विवरण अपनी स्पष्ट आज्ञा संस्थिति सहित पोर्टल में दर्ज करना है। एक चीज आपको इसमें मैं स्पष्ट करा देना चाहते हैं, 10 दिसंबर की जीओ जो चीफ सेक्रेटरी का है उसमें एक प्रपत्र एक करके भी एक संलग्न है जिसमें आपको डेली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन प्रपत्र एक में सिर्फ आंकड़ा लिखा है, लेकिन इस आंकड़ों को मात्र आंकड़े के बेसिस पर हम चीफ मिनिस्टर के कार्यालय में हम डेली रिपोर्ट नहीं भेजेंगे। जो भी आप नाम अंकित करेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पोर्टल में, वहां पर जो नामों की संख्या यानी 10 नाम आपने अंकित किया है आपके डेली रिपोर्ट में भी उतना ही फिगर आना चाहिए। ये नहीं कि डेली रिपोर्ट में ज्यादा भर के उसको नामों के साथ वो कॉरिलेट नहीं होगा, ये रिपोर्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लैपटॉप भी शासन द्वारा दे दिया गया है, सभी लोग इसमें टैक्सावी हो चुके हैं, तो इसमें लेखपाल की अनिवार्यता होगी कि प्रतिदिन शाम में जैसे जैसे उनकी कार्रवाई होगी उसको अपडेट करना है या लेटेस्ट बाय नेक्स्ट मॉर्निंग अपडेट करना है, क्योंकि आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो नाम सहित जो रिफ्लेक्ट होगा वही हम प्रपत्र एक में स्वीकार करेंगे ताकि नामों के साथ भी हम क्रॉस चेक कर सके। ये बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए ये इंश्योर करिए कि लेखपाल के समय उनको ये सभी लेखपाल सब लोगों को बुलाकर आप विशेष ध्यान दें कि किसी को जानबूझकर परेशानी ना करें, क्योंकि लेखपालों के विरुद्ध बहुत शिकायतें भी आ रही है इसके संबंध में कि बहुत समय लेते हैं इन सब सेवाओं को प्रदान करना। दूसरा है कि यदि वारिसान का विवरण किसी पर कोई गलत अंकित हो गया है तथा लेखपाल उसे असहमत है तो असहमति की स्थिति में लेखपाल को असहमति का स्पष्ट कारण लिखते हुए उसको उल्लेख कर देना है, और यह प्रकरण विवादित हो गया तो विवाद का स्पष्ट कारण अंकित करते हुए अपनी आज्ञा राजस्व निरीक्षक को 5 दिन के भीतर भेजना, यानी अविवादित प्रकरण में 15 दिन, जहां विवाद उत्पन्न होता है लेखपाल को 5 दिन अतिरिक्त देना होगा उसको प्रकरण को विवादित वाले को आरके के पोर्टल में देने के लिए। राजस्व निरीक्षक द्वारा 16 से लेकर 31 तक 15 दिन राजस्व निरीक्षक के हिस्से में है, वो राजस्व निरीक्षक की जांच एवं आदेश करने की प्रक्रिया विस्तार से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश पहले से ही है, इसमें इसको पुनः हम लोग इसको दोहरा रहे हैं। इसमें राजस्व निरीक्षक आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु ग्राम राजस्व में आवेदक द्वारा भरे गए तथा लेखपाल द्वारा दी गई जांच आख्या उसका विवरण सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा।
और यदि कोई आपत्ति अक्षियत नहीं है, इट इज अ सिंपल केस ऑफ निर्विवाद उत्तराधिकार, उसको एंट्री करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सीधा का सीधा राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली यानी कोर्ट प्रोसीजर्स मैनुअल जो आपका एंटायर कोर्ट सिस्टम आपका आप कंप्यूटर के यूजर आईडी में धारा 34-35 के अंतर्गत निस्तारण के लिए उसको अग्रसारित करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जो आपका है इट हैज टू बी डिसाइडेड थ्रू कोर्ट प्रोसीजर्स, तो आप राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पर संबंधित तहसीलदार के यूजर आईडी पर वो आके उसको फॉरवर्ड करेंगे धारा 34-35 के अंतर्गत। आपके जितने सारे आर्सिक सेंट्रीज यानी आपके नामांतरण भाई वो पूरा का पूरा कंप्यूटराइज हो चुका है। तीन जिलों में है वो सब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग कंप्यूटराइज कर रहे हैं, जालौन, शामली और महोबा में। इसमें पिछले 20 वर्ष का यानी फ्रॉम 2001 to 2020 जितने सारे आर्सिक के एंट्रीज है वो सब का सब स्कैन करके वो अपलोड हो रहा है, विच विल ऑटोमेटिकली नाउ गेटिंग टू द कटौरी ऑपरेशन। ये एक बार ये तीन डिस्ट्रिक्ट का होने के बाद यू स्टार्ट एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट। तो आज जो आप करेंगे पिछले का जैसा भी है, लेकिन इस अभियान और इस अभियान के बाद जितने भी आप करेंगे एंट्री वो साथ के साथ ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगा। आर्सिक सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको निर्देश भी जारी कर चुके हैं। इसमें आर्सिक के सॉफ्टवेयर में हटौनी का जो एंट्री है, जैसे आर के राजस्व निरीक्षक अपना टिप्पणी अंकित कर देते हैं, आर के कार्यालय इसको ऑटोमेटिकली आर सिक्स के अपने सॉफ्टवेयर में उसको एंट्री कर देते हैं। एक बार आर सिक्स के सॉफ्टवेयर में आर के ऑफिस द्वारा उसको एंट्री किया जाता है, सभी खतौनियों में ये ऑटोफिल हो जाएगा, आपको अलग से इसको खतौनी में एंट्री करने की आवश्यकता ही नहीं। दैट इज वाई ये आर सिक्स इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल फैक्टर, ये बहुत ही मेजर चेंज इन द लॉज है। ये आर सिक्स सेटिस्फाइज वेरी आर सिक्स में जैसे ही हो जाएगा एंट्री इट ऑटोमेटिकली गेट्स अपडेटेड इन टू योर खतौनी। जो अंडा अभी जो नियमावली का भी हम लोग बहुत जल्दी कैबिनेट में ले जाकर उसको संशोधन करने वाले हैं, बहुत सारे चीज आपके खसरे में भी ऑटोमेटिक फिलिंग के लिए हम लोग अभी सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहे हैं खसरा और खतौनी। एंड आपके जो आपदा में जितने सारे खसरे के जो नेक्स्ट होगा ये नेक्स्ट स्टेप होगा इसके बाद जिलाधिकारी का। इसमें आप ये इंश्योर करना है आफ्टर द होल एक्सरसाइज गेट्स कंप्लीटेड यानी फ्रॉम 16/1/2021 to 31/1/2021 ये राजस्व निरीक्षक के बाद आप क्रॉस चेकिंग एक सप्ताह के लिए करना है। ये व्यापक प्रचार प्रसार इस बीच में लगातार करते जाना है, किसी का अगर कोई चीज छूट गया हो तो आपको तत्काल सूचित करेंगे। तो व्यापक रूप में प्रचार प्रसार करना चाहिए, किसी को भी वरासत की सुविधा लेना है आप पेपर्स में एडवर्टाइज करिए, एडवर्टाइज करिए न्यूज़पेपर टीवी चैनल्स के माध्यम से, जिलाधिकारी सब अपना अपना प्रेस ब्रीफिंग में इसको जरूर बताइए। एंड व्यापक स्तर पर ये जगह जगह पर आपके तहसील दिवस में आपके कार्यालय के सामने चिपकाइए, ये हेल्पलाइन नंबर है, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो इसमें तत्काल आपका संपर्क करें। ये ध्यान करिए कि इसमें मात्र शिकायतों का निस्तारण मात्र जुलाई फरवरी में नहीं होना, ये लगातार हो रहा है एक प्रकरण। अगर किसी का इस बीच में भी अगर किसी का छूट गया है प्लीज अंडरटेक योर एप्लीकेशन। इसमें लिखने का ये तात्पर्य ये नहीं है कि क्रॉस चेकिंग मात्र और मात्र आप 1/2/2021 और 7/2/2021 में करेंगे, उसके